दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसकी गिनती दुनिया के सबसे पहले नंबर पर लार्जेस्ट लैंड मैमल्स में होती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में। अफ्रीकन एलिफेंट जो ज्यादातर अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट और सहारा डेजर्ट के यहाँ पर पाए जाते हैं। और पूरे दुनिया में एलिफेंट की दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से एक अफ्रीकन एलिफेंट है और दूसरी एशियाटिक एलिफेंट। और पूरे अफ्रीका में अफ्रीकन एलिफेंट की दो प्रकार की उप प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से एक अफ्रीकन बुश एलिफेंट है और दूसरी स्मॉलर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है। अफ्रीकन एलिफेंट एक शाकाहारी प्राणी है जो मांस को कंज्यूम नहीं करते, और अफ्रीकन एलिफेंट ज्यादातर ग्रासेस, रूट्स, फ्रूट्स और बार्क को कंज्यूम करते हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट पूरे दिन में तकरीबन 140 किलोग्राम का खाना कंज्यूम करते हैं। और जंगलों में अफ्रीकन एलिफेंट का शिकार ज्यादातर लायन, क्रोकोडाइल, हियानास और लेपर्ड्स करते हैं। और एलिफेंट को थाईलैंड का नेशनल एनिमल माना गया है, और ठीक उसी तरह से इंडिया का हेरिटेज एनिमल इंडियन एलिफेंट को माना गया है। और एलिफेंट ज्यादातर ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिनके ग्रुप में तकरीबन 10 से लेकर 20 एलिफेंट पाए जाते हैं, और एलिफेंट के ग्रुप्स को हर्ड कहते हैं। वैज्ञानिकों का माना गया है कि आने वाले भविष्य काल में अफ्रीकन एलिफेंट्स की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान अफ्रीकन एलिफेंट्स को मारकर उनकी आइवोरी मतलब उनके दांत को बेचकर कई रुपए कमा रहे हैं। इसीलिए दर साल 70,000 से भी ज्यादा अफ्रीकन एलिफेंट्स मार जाते हैं। फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट, इसका प्रेगनेंसी पीरियड 22 महीने का होता है, और ठीक 22 महीने के बाद वह तकरीबन एक बेबी काफ को जन्म देती है। और बेबी काफ को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 5 से 6 साल लगता है। और फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट अपने पूरे जीवन काल में 6 बेबी काफ को जन्म दे सकती है। अफ्रीकन एलिफेंट एशियन एलिफेंट से ज्यादा लंबे होते हैं, तकरीबन 5 फीट से लेकर 13 फीट, और वेट तकरीबन 4,000 से लेकर 4,500 किलोग्राम का होता है। और अफ्रीकन एलिफेंट के कानों को देखकर ऐसा लगता है कि वह कोई एक अफ्रीका का मैप हो। उनके कान इतने लंबे होते हैं कि वह कान उनकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट की स्किन पर ज्यादातर व्रिंकल्स पाए जाते हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और वह पूरे दिन में तकरीबन 3 से लेकर 5 घंटे सोते हैं। और वैज्ञानिकों का माना गया है कि अफ्रीकन एलिफेंट 30 से लेकर 60 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।